शेयर मार्केट कैसे काम करता है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि बस ये स्क्रीन पे भाव बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तो ये तो बिल्कुल सट्टा जैसे ही लग रहा है। भाव कोई बढ़ा रहा है, भाव कोई घटा रहा है, किसी शेयर की प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाया जा रहा है। तो मैं पहले यहां पे आपको बता देता हूं कि ये चीज कैसे काम करती है, कैसे शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई वो समझ लें। स्टॉक मार्केट मतलब पूंजी जुटाने का, किसी बिजनेस में पूंजी जुटाने का तरीका है। शेयर मीन्स हिस्सा, आप हिस्सेदारी करते हैं किसी बिजनेस में। अब एक बिजनेस को बड़ी पूंजी चाहिए, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, तो वो लोग क्या करेंगे, आपसे पूंजी जुटाने आएंगे। लेकिन हर कोई उठ के चला आएगा ऐसा नहीं है। जो बिजनेस पहले से सक्सेसफुल होके किसी लेवल पे पहुंच चुका है उसी को पब्लिक इश्यू लाने की परमिशन मिलती है। ये ध्यान रखें कि हर कोई उठा के बोले कि लाओ मुझे पैसे दे दो, मैं बिजनेस शुरू करूंगा, तो आप पैसे लगाएगा कौन? तो पहले रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस उनको पेश करना पड़ता है, फिर 6 महीने तक 500 CAs काम करते हैं, तब जाके पब्लिक इश्यू लाने का मौका किसी कंपनी को मिलता है। तो जब पब्लिक इश्यू आता है ना, तो लोग ऐसे स्टडी करते हैं कि ये बिजनेस अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है, इसमें पैसा मुझे लगाना चाहिए। अब पहले क्या होता था कि आज शेयर सर्टिफिकेट आता था, सर्टिफिकेट आप किसी को ढूंढ के और बायर सेलर कांटेक्ट में आते थे किसी दलाल के थ्रू, ट्रेडिंग रिंग में खरीदी बिक्री होती थी, फिर नाम ट्रांसफर होता था, कंपनी के पास कागज पहुंचता था, फिर वो नाम ट्रांसफर होके जो बायर नया बायर है, नया मालिक है, उसके नाम पे ट्रांसफर होके चीजें आती थी। उसके बाद में क्या हुआ, डीमटेरियलाइज हो गए। डीमेट अकाउंट आप सुनते हैं ना, डीमटेरियलाइज होना मतलब वो शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत खत्म हो गई और कंपनी के पास इलेक्ट्रॉनिक एंट्री है। अगर पैसा पहुंचा उनके पास तो क्लियरिंग के थ्रू दूसरे जो बायर है उसके नाम पे इलेक्ट्रॉनिक एंट्री ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे तेजी से चीजें हो रही है, लेकिन हो वही रहा है जो होता है किसी बाजार में। तो किसी बाजार में क्या होता है, प्राइस का मैकेनिज्म, जैसे डिमांड एंड सप्लाई से ही सारी प्राइस बनती है। डिमांड एंड सप्लाई, जैसे आप एक सब्जी के बाजार में चले गए, वहां पे आपने आलू का भाव पूछा, बताया किसी ने कि अभी आलू चल रहा है 100 रुपए किलो। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 4 दुकानें हैं और 40 लोग खरीदने के लिए घूम रहे हैं, तो 4 ही दुकानें हैं, सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए आलू का भाव ऊपर चला गया है। तो अब अगर कोई बोलेगा कि नहीं 100 में नहीं, कम में दो, तो बोले नहीं आगे से ले लो, देख लेना, कहीं इतने में तो माल खत्म होने लगेगा, तो आप 100 में नहीं 110 में भी लेने को राजी हो जाओगे। लेकिन कभी ऐसा दिखेगा आपको कि वहां 50 दुकानें लगी हुई है और 20 लोग खरीदने के लिए घूम रहे हैं, तो ये स्थिति बनेगी कि आपने पूछा क्या है आलू क्या भाव, तो बोलेंगे 20 रुपए किलो। फिर आप आगे जाओगे, पीछे से आवाज आएगी 18 में ले जाओ, 15 में ले जाओ। क्यों? क्योंकि अभी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो अब आप सोचेंगे कि सर वहां पे तो बात होती है बायर सेलर की, वो बार्गेन करते हैं, यहां पे भी बार्गेन हो रहा है। जब आप अपने ऑर्डर टाइप कर रहे हैं ना, तो ऑर्डर टाइप करने का मतलब एंटर दबाते ही आपके अकाउंट से वो पैसा चला जाएगा, आप पैसा दे चुके हो, तो वो प्राइस आई तो वैसे ही ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर किसी कंपनी में या मार्केट के सेंटिमेंट में ऐसा दिख रहा है आगे चल के इसकी प्राइस बढ़ने वाली, इसको बोलते हैं धारणा, बोलचाल की भाषा में धारणा कहा जाता है। तो धारणा कहां से बनती है? जैसे दुनिया का बाजार, यूएस का बाजार, नासडेक और डाउ, वो गैप अप खुले और तेजी में रहे, और अभी एसजीएक्स निफ्टी जो हमसे 20 मिनट पहले भी हमको दिखने लगती है, वो गैप अप खुली है और पॉजिटिव है। तो बाजार जैसे ही खुलेगा वैसे हर आदमी की धारणा क्या रहेगी कि हमको खरीदना है क्योंकि बाजार तेजी में है। और अगर बाजार में गैप डाउन होता है, एसजीएक्स निफ्टी या डाउ और नासडेक गैप डाउन होता है और गिरावट उनमें होती, तो धारणा सेलिंग की होती, मतलब ऐसा होता है कि बाजार खुलती है हमको बेच के भागना है क्योंकि बाजार गिरने वाला है। ठीक है, तो ये जो बाइंग सेलिंग का मामला है, ये जब हम अपने ऑर्डर डाल के रखते हैं, अब पूरे इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं वो एक साथ प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, मतलब समझो रोज ही हर वक्त हाट लगा हुआ है, हाट बाजार। बायर सेलर कॉन्टेक्ट में होना मतलब हाट बाजार, और आप वहां पे आप पहले ही पेमेंट लेके अपना ऑर्डर डाल के बैठे हो। ऑर्डर डाल के बैठे हो मतलब जैसी वो प्राइस आएगी, अब आपसे पूछा नहीं जाएगा, वो उसी प्राइस पे आपका बाइंग एक्टिवेट हो जाएगा। सामने वाले जिनके अकाउंट में है, जिसने सेलिंग लगा रखी है, आपका ऑर्डर मैच होगा। मैच किस हिसाब से होगा? पहले प्राइस मैचिंग देखी जाती है कि प्राइस मैच हो रही है, आपने लगाया 1014, वो उसने लगाया 1014, तो वो प्राइस मैच हो रही है।
1014 के ऊपर आपने जो भी प्राइस लगा रखी है, तो ऊपर की प्राइस लगा रखी है तो आपकी बाइंग नहीं होगी, लेकिन सेलिंग हो सकती है ना। उसके बाद फिर क्या हो गया कि अगर एक जैसी प्राइस वाले, ऐसा भी है ना यहाँ पे, तो कोई 100 शेयर बेचने में लगा रहा है, कोई वहां से 300 खरीदने में लगा रहा है, कोई 500 खरीदने में लगा रहा है, कोई 5000 इधर बेचने में लगा रहा है, तो ये कैसे सेट होता है? तो एक एक ट्रेड टाइम की प्रायोरिटी के हिसाब से, कब किसने ऑर्डर पंच किया, पहले उसको मिलता है, उसके बाद अगले को मिलता है, लेकिन ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि आपको पता भी नहीं लगता। फिर जब सारा सेटलमेंट इंट्राडे में हो जाता है, इंट्राडे में खरीदी बिक्री हो गई, नेट पोजिशन जीरो हो जाती है, मतलब आपने, आपके पास 100 शेयर के पैसे थे पर आप 400 शेयर खरीद बेच सकते हैं, तो ये रनिंग ट्रॉफी की तरह है। लेकिन जब बाजार बंद हो जाएगा तब फिर आप ये 4 गुना मार्जिन यूज नहीं कर सकते हो। फिर क्या होगा कि आपके जो 100 शेयर थे वही 100 शेयर सिस्टम में है। अब ये 100 शेयर किसी को डिलीवर करना है, तो डिलीवर करने में सिक्योरिटी का सेटलमेंट होगा, फंड का सेटलमेंट होगा, और इधर से पैसा जाएगा कहां पे, बेचने वाले के अकाउंट में, उधर से जिसने बेचे हैं शेयर वहां से सिक्योरिटी या डिलीवरी निकलेगी और वो खरीदने वाले के अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। ऐसे ये सेटलमेंट होता है। NSCCL नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके बीच में काम करता है। सबसे बड़ा फायदा किस बात का है कि एक एजेंसी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSCCL और सेबी, ये ऐसी एजेंसीज हैं कि जिनकी वजह से कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता। गड़बड़ क्यों नहीं हो सकती है? ये बोझ कैसे बांटा गया है, इसको, इसका रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया गया? रिस्क मैनेजमेंट ऐसे किया गया कि जो बड़ा ब्रोकर है, मेन ब्रोकर, जैसे आपने ब्रोकर का नाम सुना मोतीलाल ओसवाल या RKSV अपस्टॉक्स, या फिर आपने जीरोधा नाम सुना है या रिलायंस मनी हो, जो भी है, तो वो ब्रोकर है। उस ब्रोकर ने अपना कार्ड लेने के लिए कम से कम, जो भी BSE के अलग नॉर्म्स हैं, NSE के अलग नॉर्म्स हैं, तो एक एग्जांपल के लिए 1 करोड़ रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट डाल रखा है, तो 1 करोड़ रुपया पहले दिया है एक्सचेंज को। अब एक्सचेंज के पास वो 1 करोड़ रुपए जमानत के तौर पे रखे हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ करता है मेंबर, कार्ड मेंबर, तो उस पैसे में से नुकसान की भरपाई की जा सकती है, और जितना पैसा डिपॉजिट है उसी हिसाब से लिमिट दी जाएगी। अब क्या करेगा, ब्रोकर बनाएगा सब ब्रोकर्स, तो जितने टर्मिनल्स और फ्रेंचाइजी आपको दिखते हैं उनसे समझो 2-2 लाख रुपए का डिपॉजिट ले लिया है, तो फिर उनको उस हिसाब से लिमिट दे दी गई है। फिर सब ब्रोकर ने क्या किया, क्या वो इतना रिस्क लेके घूम रहा है? नहीं, उसने एक एक क्लाइंट का अकाउंट खुलवाया, एक एक क्लाइंट ने वहां 10,000, 20,000, 50,000 का चेक दिया, तो जैसा उसका बैलेंस है उसके हिसाब से उसको मार्जिन मिल रहा है। जिसको 50,000 का चेक है वो दिन में 2 लाख रुपए का एक बार में ट्रेड कर सकता है, फिर बार बार बेच के खरीदना करता रहे तो दिन भर में 50 लाख का ट्रेड कर ले वो इंसान जिसने 50,000 जमा कर रखे, ये पॉसिबल है। लेकिन देखना है कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ब्रोकरेज टैक्सेस कितने लग रहे हैं, उस हिसाब से बात बनेगी। क्योंकि खरीदना बेचना व्यापार नहीं है, कहां खरीदना है कहां बेचना है, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये डिसीजन सही तरीके से करना, ये व्यापार है। तो ऐसे पूरा सिस्टम काम करता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर हमको ये बात भी पता होनी चाहिए कि बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पे, हम सारा जो भी एजुकेशन अपने बच्चों को दे रहे हैं, बैंकों में हम जो पैसा डाल रहे हैं वो बैंक के आधार पे सब सारा काम कर रहे हैं, वो बिजनेस को लोन देते हैं, और बिजनेस जब उनको लोन का अच्छा रेट चुकाता है तो उसमें से आधा रेट वो आपको FD पे या आपकी सेविंग अकाउंट में चुकाते हैं। अब ये पूरा सिस्टम को अगर हम समझे नहीं तो हम क्या करते हैं, बैंक को हाँ बोलते हैं और फिर स्टॉक्स को या बिजनेस को ना बोल देते हैं, तो गुड़ खा के गुलगुले से परहेज करने वाली बात हो गई। यहाँ पे पूरे सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे उठ के आ गए, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया और सोचा मेरी किस्मत चलेगी तो मैं कुछ पैसा बना लूंगा, देखता हूँ ये मेरे लिए है कि नहीं है, पर हमने ये जाना ही नहीं कि हम आए कहाँ हैं। तो ये मार्केट को सही तरीके से समझने के लिए आपको पूरी इकोनॉमी, अब मैं अगले वीडियो में ये बताने वाला हूं कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं किसी इकोनॉमी के, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, आगे भागेगा। तो ये जो प्राइस के चलाने की बात आप करते हैं ना कि ये प्राइस को चला रहा है कोई, वो लोग बाजार गिरा रहे हैं, वो लोग बाजार उठा रहे हैं, सरकार बाजार गिरा रही है उठा रही है, सरकार कभी बाजार गिराना नहीं चाहती। हाँ, ये हो सकता है कि वहां कोई करप्ट पॉलिटिशियन हो जिसके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन हो और जिसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट हो
कि कहीं ये समझो कि वो शॉर्ट सेलिंग करके बैठा है और उसने कोई नेगेटिव कमेंट दिलवा दिया जिसकी वजह से बाजार के सेंटिमेंट खराब हो गए। इस तरह का मैनिपुलेशन हर बाजार में होता है, यहां भी है, मैं उससे इनकार नहीं करता। लेकिन असल बात यह है कि यहां पे कोई मीटिंग नहीं होती बायर सेलर की कि चलो अपन इसका प्राइस बढ़ाते हैं प्राइस घटाते हैं, है ना। मैनिपुलेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग या कोई आदमी सिंडिकेट बना के हर्षद मेहता ने जो किया था वो उसको रोक दिया गया। आप कोशिश की है एक्सचेंज ने या सेबी ने ऐसी कि वो दोबारा रिपीट नहीं हो, लेकिन आमतौर पे जो ऑपरेशन की बात कर रहा हूं मैं कि जैसे एफआईआई आए तो आपको लगता है एफआईआई कोई एक इंस्टीट्यूशन है, वहां लोग इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि इसको बेच दो इसको उठा लो बाजार को ऊपर लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एफआईआई है, तो कोई किसी लेवल पे एंट्री किया वो बेच रहा है, कोई किसी लेवल पे एंट्री कर रहा है, कुछ निकल रहे हैं कुछ बेच रहे हैं। दिन भर में पता लगा 2000 करोड़ का सेलिंग हुआ और 1500 करोड़ की बाइंग हुई, तो नेट सेलिंग आई -500 करोड़ की। जब एफआईआई बेच रहे हैं तो इधर हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब म्यूचुअल फंड्स वो खरीद रहे हैं, ये हो सकता है। तो अलग अलग लेवल पे मार्केट में ये चीजें चलती रहेगी। तो जैसे आप अगर आप बोलते ना कि सब इकट्ठा करके अगर बोल दे कि नहीं शेयर की वैल्यू ही नहीं है जीरो का हो जाए तो ऐसा तो सोने में और जमीन में भी होने वाला है। तो दोस्तों बिजनेस को मत नकारिए, क्योंकि बिजनेस की वजह से ही गोल्ड और जमीन की वैल्यू है। नहीं तो आपको लगता है कि 10 बाय 10 की दुकान 5 करोड़ में 2 करोड़ में बिक सकती है? क्या करना था वहां पे? दो लोग सो सकते हैं उस जगह में, उसके 2 करोड़ 5 करोड़ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वहां बिजनेस वैल्यू जनरेट कर सकता है। तो इस सारी बात को समझने के बाद में स्टॉक मार्केट में आने का इरादा बनाइए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ स्क्रीन को थोड़ा बहुत देखने से, ये खरीदने से, वो बेचने से और किस्मत आजमाने से कुछ नहीं होगा। आपको इकोनॉमी को समझना पड़ेगा, तब जाके आप पैसा बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक हमने टेलीग्राम पे चैनल बनाया, हम रोज कुछ अच्छे स्टॉक स्टडी करते हैं स्विंग के लिए, इंट्राडे के लिए, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं, उसका फायदा मिल सकता है। लिंक दे के रखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।